Hello, guys, this is C. Ram Ahuja, a chartered accountant by profession and a teacher by passion. I welcome you all to Students Lab, that is Study of Business. I'm a chartered accountant by profession, guys, become honors from Delhi University and merit holder from CBSE and national scholarship holder by Delhi government in this subject, which is called your business study. Right? If you want to have the free notes and videos, download the Students Lab app now. और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ऐसी वीडियोस लगातार आती रहे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यानी कि इस चैप्टर के 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 अंदर हम पढ़ेंगे 14 principles Fayol के और principles Taylor के और कुछ टेक्निक्स फटाफट रिविजन स्टार्ट करते हैं जो ने उसमें सबसे पहला प्रिंसिपल्स आता है यूनिटी ऑफ कमांड यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है कि इंडिविजुअल एम्प्लॉई शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर एट ए टाइम एंड एम्प्लॉई शुड बी आंसरेबल ओनली टू दैट सुपीरियर अरे भैया एक से इंस्ट्रक्शन मिलेगी तो समझ आएगा ना क्या करना है अगर दो दो लोग इंस्ट्रक्शन देंगे तो समझ कैसे आएगी बड़ा सिंपल प्रिंसिपल था हेनरी फेअल का कि दो जने इंस्ट्रक्शन देंगे तो कंफ्यूजन हमेशा पैदा होगी होगी इसलिए एक ही जना इंस्ट्रक्शन देगा और एक ही को आंसरेबल होना चाहिए ड दूसरा प्रिंसिपल जो हैनरी प्योल ने दिया वो था स्केलर चेन और स्केलर चेन का मतलब है कि चेन को फॉलो करना यानी कि फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी को फॉलो करना इट रेफर्स टू द फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी विच मूव फ्रॉम हाइएस्ट टू दी लोएस्ट रैंक इन स्ट्रेट लाइन यानी ए को अगर एफ से कोई बात कहनी है तो ए डायरेक्ट एफ से बात नहीं करेगा ए बी को बताएगा बी सी को बताएगा सी डी को बताएगा डी ई e को बताएगा और ई e, एफ को बताएगा और इसका उल्टा भी सेम है यानी कि अगर एफ को ए से कोई बात कहनी है अगर कोई रिपोर्ट देनी है तो एफ डायरेक्टली ए को नहीं देगा एफ ई e को देगा ई e डी को देगा डी सी को देगा सी बी को देगा और बी ए को देगा यानी कि इट मीन्स ईच कम्युनिकेशन मस्ट मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड वाई सेवर्सा वाई सेवर्सा मतलब उल्टा भी इन ए स्ट्रेट लाइन इसलिए इसको बोलते हैं स्केलर चेन और इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि यहां पर कोई भी स्टेप छूटना नहीं चाहिए लेकिन हाँ इमरजेंसी सिचुएशन में आप गैंग प्लैंक को यूज कर सकते हो जैसा कि पिक्चर में दिया है एफ अगर पी से बात करना चाहे तो गैंग प्लैंक यूज कर सकता है लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि देर शुड बी एमरजेंसी सिचुएशन नंबर वन नंबर टू मैटर शुड बी एट मोस्ट इंपॉर्टेंस और तीसरा मैनेजर सेम लेवल पर होने चाहिए तभी आप गैंग प्लैंक को यूज कर सकते हो इसके बाद अगला प्रिंसिपल जो दिया वो था अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस होना चाहिए मुद्दे की बात है सर अथॉरिटी ज्यादा हो जाएगी तो मिस होगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी तो काम कैसे होगा तो दोनों के बीच में क्या होना चाहिए पैरिटी यानी कि बैलेंस होना चाहिए नेक्स्ट प्रिंसिपल था सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट यानी कि अगर आपके सामने दो इंटरेस्ट आ जाएं एक ऑर्गेनाइजेशन का और एक आपका अपना तो भैया अपने स्वार्थ को त्याग देना और कंपनी के हित को ध्यान में रखना यानी कि इंटरेस्ट दो जगह आ जाता है आपका पर्सनल इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशन का तो हेनरी फ्यूल का कहना था कि अपने इंटरेस्ट को छोड़ देना भाई साहब और कंपनी के इंटरेस्ट को फेवर करना प्रायोरिटी ना क्योंकि कंपनी चलेगी तो आप भी बचोगे भैया अगर जहाज तैरेगा तो आप भी बचोगे जहाज डूब गया तो आप भी डूब जाओगे बड़ा अच्छा प्रिंसिपल है इसको बोलते हैं सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट अगला प्रिंसिपल था इनिशिएटिव यानी कि इनिशिएटिव लेना यानी कि आपको जब भी कोई डिसीजन लेना हो तो अपने एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व जरूर करो कहते खोटा सिक्का भी कभी काम आ जाता है तो अगर आपके एम्प्लॉज़ आपको अच्छे अच्छे इंस्ट्रक्शन देंगे अच्छे अच्छे सजेशन देंगे तो कभी भी कोई भी खोटा सिक्का आपके काम आ सकता है इसको बोलते हैं इनिशिएटिव प्रिंसिपल फिर आता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल यानी कि किसी को भी स्थापित होने के लिए समय लगता है भाई है ना कोई भी एम्प्लॉई आए तो उसको सेटल डाउन होने के लिए समय दो इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर टेन्योर का मतलब होता है टाइम पीरियड तभी तो वो अच्छे से काम कर पाएगा सर किसी भी चीज में एडजस्ट होने के लिए टाइम लगता है ये मान के चलो तो अपने एम्प्लॉय को टाइम देना चाहिए ना इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ ऑफ़ पर्सनल। पर्सनल यानी कर्मचारी अगला प्रिंसिपल दिया उन्होंने इक्विटी का इक्विटी का मतलब क्या होता है कि भैया समानता है ना समानता होनी चाहिए मैनेजर शुड ट्रीट देयर सबोर्डिनेट एज फेयरली एज पॉसिबल इससे डेडिकेशन यानी फीलिंग जो हमारी होती है डेडिकेशन की वो इंक्रीज होती है और हमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए भेदभाव नहीं करना चाहिए ना जेंडर के बेस पे ना कास्ट के बेस पे ना रीजियन के बेस पे ना रिलीजन के बेस पे ना लैंग्वेज के बेस पर ना नेशनैलिटी के बेस पर भेदभाव नहीं करना चाहिए सबको समान मानना चाहिए इसको बोलते हैं इक्विटी प्रिंसिपल अगला प्रिंसिपल था रिम्यूनोरेशन प्रिंसिपल जो हेनरी फ्योल ने दिया और इस प्रिंसिपल का मतलब है एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर रिम्युनोरेशन रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफिंग भाई इतना तो कम से कम पे जरूर करना कि वो कम से कम अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर सके हेनरी फ्योल भैया जब जेब में पैसा जाएगा तो काम भी अच्छा होगा है ना इसलिए रिमुडरेशन अच्छा देना चाहिए ताकि वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सके अगला प्रिंसिपल था सेंट्रलाइजेशन एंड डी सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर को सेंटर में रखना यानी कि सारी डिसीजन मेकिंग पावर टॉप लेवल के पास होना और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि पावर को डिस्पर्स कर देना यानी अपने एम्प्लॉयज़ में पावर को बांट देना ताकि वो डिसीजन ले सकें अपनी मर्जी से बड़ा फायदा होता है भाई अगर आप डिसेंट्रलाइज कर दोगे डिसीजन मेकिंग दे दोगे तो भाई कॉन्फिडेंस आएगा एम्प्लॉय में डिसीजन लेंगे डिसीजन लेंगे तो फ्यूचर मैनेजर आपके लिए तैयार होंगे जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उतना ही डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा होता है जितनी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती है उतना ही डिसेंट्रलाइजेशन कम होता है अगला प्रिंसिपल दिया एस्परिट डी कॉप्स कॉप्स कहता है भैया कि वी प्रयोग करो? टीम टीम स्पिरिट स्पिरिट जगाओ। कब जब आप वी का प्रयोग करेंगे इंस्टेड ऑफ आई आई शब्द के बजाय वी हम का प्रयोग करो हम मिलके करेंगे हम मिल करके ऐसा करेंगे हम मिलके कर सकते हैं जिसको बोलते हैं एस्परिट डी कॉप्स वी शुड यूज द वर्ड वी इंस्टेड ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन विदऑर्डिनेट्स अगला प्रिंसिपल था ऑर्डर 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 यानी कि यहाँ पर भी दो ऑर्डर हैं कौन कौन से दो ऑर्डर है एक मेटीरियल ऑर्डर और दूसरा सोशल ऑर्डर मेटीरियल ऑर्डर क्या कहता है भैया अ प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरी थिंग इन इट्स राइट प्लेस यानी कि हर चीज के लिए हर वस्तु के लिए एक प्लेस होना चाहिए और वो हर वस्तु अपने प्लेस पर होनी चाहिए दैट इज कॉल मेटीरियल ऑर्डर दूसरा था सोशल ऑर्डर ये ह्यूमन रिसोर्सेज यानी हम लोगों के लिए यूज किया जाता है अ प्लेस फॉर एवरी वन मटीरियल ऑर्डर में क्या था एवरी थिंग यहाँ पर क्या है एवरी वन अ प्लेस फॉर एवरी वन एंड एवरी वन इन एट्स अपॉइंटेड प्लेस यानी कि हर एम्प्लॉय के लिए एक बैठने की जगह होनी चाहिए और हर एम्प्लॉय अपनी जगह पर भी होना चाहिए ऑर्डर ऑर्डर यानी कि दो ऑर्डर कौन कौन से मेटीरियल एंड सोशल ऑर्डर नेक्स्ट प्रिंसिपल जो हेनरी फ्योल ने दिया वो था डिसिप्लिन अरे बाप अरे बाप हंटर वाले भाई साहब क्या बात है ऐसा नहीं है सर डिसिप्लिन का मतलब है रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना उससे बड़ी बात है कमिटमेंट को फॉलो करना अगर टॉप लेवल अपने स्टाफ से कोई कमिटमेंट करता है तो उसको पूरा करना चाहिए और अगर स्टाफ अपने मैनेजमेंट से कोई कमिटमेंट करता है तो उसको पूरा करना चाहिए इसको बोलते हैं डिसिप्लिन प्रिंसिपल द ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट देखो साफ साफ बात कह रहे हैं हम लोग ओबेड बाय बोथ सुपीरियर एंड सबोर्डिनेट दोनों को फॉलो करना है सर एक को नहीं करना ठीक है कमिटमेंट पर पूरा उतरेंगे तो इसका मतलब डिसिप्लिन प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है वन नहीं हो रहा अगला प्रिंसिपल आता है हमारा डिविजन ऑफ वर्क सबसे सिंपल प्रिंसिपल है ये आप और मैं सब लोग जानते हैं कि काम को डिवाइड कर दो टुकड़ों में जितना कर सकते हो काम आसान हो जाएगा करना इसलिए हमने भी क्या किया चैप्टर्स को पूरे कोर्स को चैप्टर्स में डिवाइड करते दिया अब छोटी छोटी वीडियो में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको सुनना आसान हो जाएगा ना है ना छोटी छोटी वीडियो को सुनना काफ़ी अच्छा लगता है तो वर्क को डिवाइड कर दिया आसान हो गया मेरे लिए भी रिकॉर्डिंग करना आसान हो गया है ना पूरी किताब को रिकॉर्ड करता तो मुश्किल हो जाता छोटे छोटे चैप्टर्स में डिवाइड करके वीडियोस रिकॉर्ड करो आसान हो गया सर तो डिवीजन ऑफ वर्क काम को डिवाइड कर दो जितना पॉसिबल हो सकता है काम क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा ठीक है जी ये थे हमारे फोर्टीन प्रिंसिपल्स अभी रह गया कौन सा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ओ हो डायरेक्शन दे रहे हैं भाई साहब जी हाँ भैया एक हेड तो होना ही चाहिए ना पूरी टीम का एक ग्रुप का एक प्लान होना चाहिए और उसका एक हेड होना चाहिए जो सबको इंस्ट्रक्शन देगा कहाँ से कहाँ पर जाना है ताकि सारे के सारे लोग एक डायरेक्शन में जा सकें जिसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भैया हर फिल्म का एक डायरेक्टर भी तो होता है सिंपल सी बात है वहीं से समझ जाओ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है

अंगूठा टेक किसको बोलते हैं जो एक ही काम को बार-बार सेम तरीके से करते हैं इट इज कॉल्ड साइंस नॉट रूल ऑफ थंब दूसरा प्रिंसिपल जो टेलर ने दिया वो था हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड यानी मैनेजमेंट और वर्कर एक फैमिली की तरह काम करना चाहिए ऑब्वियसली फैमिली की तरह काम करेंगे तो ग्रो करेंगे सर फिर अगला प्रिंसिपल दिया कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म इसको हम एक्सटेंशन भी बोलते हैं हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड प्रिंसिपल का ठीक है है ये कहता शुड शुड बी बाय द बोथ रियलाइज दैट दे नीड ईच अदर दोनों को रियलाइज करना चाहिए किस किस को मैनेजमेंट को स्टाफ को कि भैया दोनों को एक दूसरे की जरूरत है है ना दोनों को एक दूसरे की जरूरत है इसको बोलते हैं हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड कॉम्पिटिशन को रिप्लेस कर दो यार कॉपरेशन से मजा आ जाएगा और लास्ट प्रिंसिपल दिया डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशियंसी लेवल एंड प्रोस्पैरिटी यानी कि हर पर्सन को उसके हाइएस्ट लेवल तक ले जाओ ना यार उसको ट्रेनिंग दो उसको डेवलपमेंट करो अगर हर एम्प्लॉय अपने हाइएस्ट लेवल पर काम करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन हाइएस्ट लेवल पर काम करेगी भाई साहब बिल्कुल करेगी और ये बहुत तगड़ा अच्छा प्रिंसिपल है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशियंसी एंड प्रोस्पैरिटी ये चार प्रिंसिपल थे जो टेलर ने दिए इसके अलावा कुछ टेक्निक दी उन्होंने अब टेक्निक को डिस्कस करते हैं एक था फंक्शनल फॉर्मैनशिप उनका ये मानना था टेलर का कि भैया एक पर्सन सारे काम नहीं कर सकता ऑफ कोर्स नहीं कर सकता अब मैं बोलूँ मैं फिजिक्स भी पढ़ाना शुरू कर दूँ तो राम सर फिजिक्स तो नहीं पढ़ा सकते केमिस्ट्री नहीं पढ़ा सकते इज दैट क्लियर वन पर्सन कैन नॉट डू एवरीथिंग तो उनका मानना था कि हर फंक्शन को डिवाइड कर दो ना हर फंक्शन का एक फॉर्मैन बना दो और उस कॉन्सेप्ट को नाम दिया फंक्शनल फॉर्मेनशिप इसको हम ऑफ़ वर्क का एक्सटेंशन भी कहते हैं क्योंकि यहां पर भी वर्क को हम डिवाइड कर रहे हैं राइट शो फ्लोर का मतलब है फैक्ट्री लेवल पर ठीक है और एग्जीक्यूशन well के लिए भी फॉरमेन होना चाहिए यानी हर फंक्शन का फॉरमेन होना चाहिए इसलिए इसको नाम क्या दिया गया फंक्शनल फॉरमेनशिप देखते जरा कौन कौन से होते हैं प्लानिंग डिपार्टमेंट में चार फोरमैन होते हैं एक को हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन एंड कार्ड क्लर्क इसका काम क्या होता है बेटा इंस्ट्रक्शन देना कि कौन सा काम होगा कब कैसे काम होगा कौन सा मटेरियल यूज होगा कौन सी मशीनरी यूज होगी इसका काम है ये प्लान करना दूसरा प्लानिंग डिपार्टमेंट का फोरमैन होगा रूट क्लर्क जो ये डिसाइड करेगा कि कौन कौन से रूट से हमारा प्रोडक्ट जो है प्रोसेस होगा पहला प्रोसेस क्या होगा दूसरा प्रोसेस क्या होगा तीसरा प्रोसेस क्या होगा चौथा प्रोसेस यानी रूट डिसाइड करना ये प्लानिंग कौन करेगा रूट क्लर्क तीसरा जो हमारा फोरमैन होगा प्लानिंग डिपार्टमेंट में वो होगा हमारा डिसिप्लिनियर ऑफिसर यानी वो चेक करेगा कि क्या सारे के सारे रूट से सारा का सारा सामान प्रॉपरली पास हो रहा है कि नहीं हो रहा यानी प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा और वो हम कैसे इन्श्योर करेंगे ये प्लानिंग करेगा डिसिप्लिन ऑफिसर फिर आता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का काम होगा टाइम डिसाइड करना कि एक काम को करने के लिए कितना समय लगेगा और कितनी कॉस्ट लगेगी ये प्लान करना किसका काम है किसका काम है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का यानी कि चार फॉरमैन होंगे किसमें प्लानिंग डिपार्टमेंट में और उसके बाद चार फोरमैन हमारे होंगे किस में एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट में यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में उसमें पहला होगा गैंग बॉस यानी गैंग बॉस यानी कि एक ग्रुप का एक लीडर होना चाहिए जो ये डिसाइड करेगा कि क्या सारे वर्कर्स फिट है हाँ हाँ मजबूत है क्योंकि हम यहाँ बात करें फैक्ट्री लेवल की वहाँ पर फिजिकल मजबूती बहुत चाहिए तो गैंग बॉस ये इंश्योर करेगा क्या सारे वर्कर्स फिट हैं क्या हमें पास मेटीरियल अवेलेबल है काम करने के लिए तो उसको हम बोलेंगे गैंग बॉस दूसरा फॉर्मेन होगा स्पीड बॉस यानी कि टाइम क्लर्क ने जो प्लान किया था टाइम जिस टाइम में काम होना चाहिए क्या उस स्पीड से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा ये कौन चेक करेगा स्पीड बॉस और अगर डिविएशन आ रहा है मान लो काम टाइम पर नहीं हो रहा तो उसका रीजन क्या है ये फाइंड आउट कौन करेगा स्पीड बॉस एग्जीक्यूशन का काम है ना फिर आते हैं रिपेयर बॉस रिपेयर बॉस का काम क्या है यह चेक करना कि क्या सारी मशीनरी सारे टूल प्रॉपरली अपनी जगह काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे और अगर उनको रिपेयर की जरूरत है तो साथ साथ रिपेयर करेगा ताकि कोई भी एम्प्लॉय खाली ना बैठे ठीक है और चौथे हमारे फोरमैन होंगे इंस्पेक्टर जो तो इंस्पेक्ट करेंगे सारी चीजों को भैया गुड्स पास हो गए प्रॉपरली क्या सारे गुड्स प्रॉपरली पास हुए कि नहीं हुए क्या इनको दोबारा से रिप्रोडक्शन की जरूरत है क्या इसको हमें डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए या इसकी क्वालिटी को पास करके आगे फॉरवर्ड कर देना चाहिए तो ये हो गए हमारे चार फॉर्मैन कौन से स्पेशलिस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ठीक है चार हमारे थे प्लानिंग के और चार हो गए हमारे प्रोडक्शन यानी एग्जीक्यूशन के इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया फंक्शनल फॉर्मैनशिप उसके बाद एक टेक्निक दी गई स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क का मतलब है कि हर वर्क स्टैंडर्डाइज होना चाहिए और उसके लिए आपको कुछ टेक्निक दी गई जिसको बोलते हैं टाइम स्टडी मोशन स्टडी फैटिक स्टडी मैथड स्टडी चलिए देखते हैं वन बाय वन टाइम स्टडी क्या होती है टाइम स्टडी का मतलब होता है ये ये स्टडी करना कि, कि किसी काम को करने के लिए कितना समय लगना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम ये डिसाइड ही नहीं करेंगे कि इस काम को करने के लिए कितना समय लगेगा तो हम चेक कैसे करेंगे कि कौन प्रोपरली एफिशिएंसी से काम कर रहा है और कौन ढंग से काम नहीं कर रहा टाइम ठीक है फिर दूसरे हमारी आती है मोशन स्टडी मूवमेंट मोशन का मतलब होता है मूवमेंट यानी कि अननेसेसरी मूवमेंट को हटा देना क्या करना अननेसेसरी मूवमेंट को हटा देना ताकि जो प्रोडक्शन के अंदर काम हो रहा है वो फास्ट होना चाहिए समझ गए मेरी बात देखो प्रोडक्शन के टाइम पे मूवमेंट होती है मान लीजिए आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं फिर उतर रहे हैं फिर चढ़ रहे हैं फिर उतर रहे हैं सामान लेने के लिए अगर आपको एक बेल्ट दे दी जाए और सारा सामान उस बेल्ट में लगा दिया जाए तो आपको बार बार उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपका टाइम बचेगा एफिशिएंसी इंक्रीज होगी दैट इज कॉल्ड मोशन स्टडी फिर आता है हमारी नेक्स्ट स्टडी आती है फटिक स्टडी आ हाँ हाँ थकावट आपको भी हो रही है नहीं जी नहीं ये तो बहुत छोटी वीडियो थकावट कैसे हो जाएगी फटीक स्टडी का मतलब होता है ये स्टडी करना कि कितनी देर के बाद थकान हो जाती है यानी कि हमें जो ब्रेक देना चाहिए वो कितनी देर का देना चाहिए और कितनी देर के बाद ब्रेक देना चाहिए क्योंकि काम में ब्रेक की जरूरत होती है नहीं तो लगेगा काम हो रहा है लेकिन एक्चुअल में काम नहीं हो रहा होगा इस स्टडी को हम बोलते हैं फैटिक स्टडी ठीक है ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल को चेक करना जैसे देखिए बेचारे थके हारे आंखें भी बाहर आ गई इनके थ्रो तो। नेक्स्ट स्टडी होती है मेथड स्टडी यानी हर काम को करने का एक प्रॉपर मैथड होता है और उसको फाइंड आउट करने की स्टडी को हम बोलते हैं मैथड स्टडी ठीक है उसके अलावा और क्या टेक्निक दी उन्होंने सिंप्लीफिकेशन की टेक्निक ये बहुत बड़े बड़े शोरूम्स इसको फॉलो करते हैं अननेसेसरी टाइप्स को हटा दो अननेसेसरी क्वालिटी को हटा दो अननेसेसरी साइज को 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 वेट्स लुक्स हटा दो इससे लेबर कॉस्ट कम हो जाती है स्टॉक मेंटेनेंस कम हो जाता है आप अगर बड़े बड़े शोरूम में जाएंगे तो आप देखेंगे गिरे चुने टाइप के ही सामान आपको वहां पर मिलते हैं ठीक है तो उनको ना तो अननेसेसरी स्टॉक रखना पड़ता है ना ही लेबर कॉस्ट होती है इसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफाई करना उसके बाद लास्ट टेक्निक जो उन्होंने दी उसको बोलते हैं मेंटल रिवोल्यूशन मेंटल रिवोल्यूशन का मतलब होता है सोच को बदलना ठीक है इसका मतलब है कि वर्कर और मैनेजमेंट के एटीट्यूड को बदलना कि भैया दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है और कंपटीशन को हटा दो कॉपरेट करो दोनों को एक दूसरे के साथ सरप्लस शेयर करना चाहिए ये मेंटल रिवोल्यूशन एक सोच थी जो टेलर ने दी कि हमें सोच को बदलेंगे तो जिंदगी बदल जाएगी और आने वाली इंडस्ट्रीज बदल जाएंगी और ये बिल्कुल कारगर सिद्ध हुई आज की डेट में तो ये था हमारा चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अ क्विक रिविजन फॉर यू गाइज और अगर आप चाहते हैं आपको रिविज़न आपको ऐसे मिलती रहे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा आप क्या चाहते हैं हम पूरी कोशिश करेंगे उस टॉपिक्स पर वीडियो आपको जल्दी से जल्दी अवेलेबल कराएं थैंक यू सो मच गाइज टेक केयर बाय बाय